मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक गधा था। वो उसे बहुत लाड़ प्यार करते थे। एक बार मुल्ला के गांव में एक फकीर आया। गांव के लोग उनकी बात सुनने के लिए उनके पास गए। इनमें मुल्ला की पत्नी भी शामिल थी। फकीर ने कहा, जिससे आप प्यार करते हैं उसे आप मत बांधो, उसे छोड़ दो, उससे कोई उम्मीद मत रखो, अपने प्यार को बिना शर्त के होने दो। देखिए, अगर आपका प्यार पवित्र है तो उस प्यार का बंधन ही उसे आप तक पहुंचाएगा। जिसे आप प्यार करते हैं उसे मुक्त करके ही आप महसूस कर सकते हैं कि प्यार का बंधन कितना मजबूत है। फकीर की बातें मुल्ला की पत्नी को भा गई। उसने कहा, मुल्ला, अगर आप गधे से प्यार करते हैं तो उसे जाने दो। इससे पता चलेगा कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यह सुनकर मुल्ला परेशान हो गया, लेकिन उस भीड़ में अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह सका, इसलिए उसे अपने गधे को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गधा खुलते ही भाग गया। जैसे जैसे दिन ढलता गया गधा थकता गया। रात की ठंड को सहन करने में असमर्थ गधा मुल्ला के घर लौट आया और घर के सामने खड़ा हो गया और आवाज़ दिया। यह देखकर मुल्ला की पत्नी बहुत खुश हो गई। उसने मुल्ला से कहा कि गधा आपसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए वो वापस आ गया। यह सुनकर मुल्ला ने मन ही मन सोचा कि मेरा गधा सचमुच एक बड़ा गधा है। इसलिए दोस्तों, मूर्खहीन के पास जितना भी बड़ा अपॉर्चुनिटी अवसर आ जाए वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता और हर समय खुद को और अपनी ज़िंदगी को कोसता रहता है।